असम के घने जंगल में हर प्रजाति के पशु पक्षी रहा करते थे। इसी जंगल में एक ऊंट भी रहा करता था। इस ऊंट का रंग बिल्कुल दूध की तरह सफेद था। अपनी सफेद रंगत के कारण ऊंट दूसरे ऊंटों से अपने आप को ज्यादा बेहतर समझता था। वो अपनी सफेद रंगत पर काफी घमंड किया करता था और किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात नहीं करता था। जब कोई दूसरा ऊंट उससे बात करने लगता तो वो कहता, मैं तुम लोगों को कितनी बार बोल चुका हूँ कि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। मैं सफेद रंगत वाला सुंदर ऊंट हूँ और तुम गोबर जैसे रंग वाले सड़ियल ऊंट हो। जाओ, मेरे पास खड़े मत रहो। अरे भैया, सफेद रंग होने से तुम्हारी प्रजाति थोड़ी ना बदल गई है। हो तो फिर भी तुम ऊंट ही ना। चलो आओ मेरे साथ, नदी किनारे बेल पर लगे खीरे खाने चलते हैं। लगता है तू ऐसे यहाँ से नहीं जाएगा। ये ले। और फिर सफेद ऊंट दूसरे ऊंट को एक जोर की लात मारकर वहां से भगा देता है। सफेद ऊंट रात के समय अपनी बिरादरी के ऊंटों के साथ उनके झुंड में भी नहीं रहता था। वो ऊंटों के झुंड से हटकर बैठता था और वहीं पर सो जाता था। इसी जंगल में एक हिरन भी रहता था। हिरन के शरीर से हर समय विचित्र सी मनमोहक गंध फूटती रहती थी, इसलिए जंगलवासी इस हिरन को कस्तूरी हिरन कहा करते थे। ये कस्तूरी हिरन बहुत तेज धावक था, दौड़ने में चीते को भी मात दे दिया करता था। एक दिन की बात है, दोपहर के समय ऊंट एक पेड़ की छांव में सुस्ताने के लिए बैठता है और जुगाली करने लगता है। जुगाली करने से ऊंट के मुंह में बहुत सारे झाग बन जाते हैं जो कि उसके मुंह से बाहर आने लगते हैं। तभी वहां एक चूहा आ जाता है। चूहा ऊंट का मुंह झाग से सना देखकर उस पर हंसने लगता है। चूहे को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर सफेद ऊंट गुस्से से तिलमिलाकर कहता है, अरे ओ बदबूदार गंदे चूहे, तू मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। ऊंट भैया, ऊंट भैया, तुम दोपहर के समय कॉलगेट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सारा मुंह झाग से सना हुआ है, बस यही देखकर मेरी हंसी छूट रही है। तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं दी। ए चूहे, जरा मेरे कान के पास आकर बोल, क्या बोल रहा है? ऊंट अपना मुंह जमीन पर टिका देता है। जैसे ही चूहा ऊंट के मुंह के पास आता है, ऊंट लपक कर अपने मुंह से चूहे को दबोच लेता है और चूहे को उछाल कर दूर फेंक देता है। फिर जोर से हंसकर कहता है, पहले तू मुझ पर हंस रहा था, अब मैं तुझ पर हंस रहा हूँ। तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। चूहे को ऊंट की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। अरे ओ नकचड़े घमंडी ऊंट, सुन ले अच्छी तरह से, मैं तुझे तेरी इस शरारत का सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ। चूहा वहाँ से चल पड़ा और कस्तूरी हिरन के पास पहुँचा और कहने लगा, भैया कस्तूरी हिरन, देखो ना, वो सफेद ऊंट है ना, बड़ा ही नकचड़ा है, किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता, सबसे बदतमीजी करता है। क्या तुम किसी तरह उसका घमंड तोड़ सकते हो? चूहे भैया, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ भी सफेद ऊंट ने कोई बदतमीजी की है? हाँ भैया, आज उसने मेरे साथ भी बड़ी बदतमीजी की है। और फिर चूहा हिरन को सारी बात विस्तार से बता देता है। उस पर चूहा कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कस्तूरी हिरन कि तुम ही अपनी योग्यता से सफेद ऊंट का दिमाग ठीक कर सकते हो। ठीक है चूहे, मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरह सफेद ऊंट का घमंड तोड़ सकता हूँ। उसके बाद कई दिन बीत गए और फिर एक दिन की बात है, जब सफेद ऊंट तालाब पर पानी पी रहा होता है तो वहाँ पर हिरन आ जाता है और ऊंट के बराबर में खड़ा होकर पानी पीने लगता है। ऊंट हिरन को अपने साथ में खड़ा हो पानी पीते देखकर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है, ए हिरन के बच्चे,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में खड़ा होकर पानी पीने की? क्यों भाई, तुम क्या राजा शेर सिंह के खास मंत्री हो जो कोई तुम्हारे बराबर में खड़ा होकर पानी नहीं पी सकता है? देख हिरन, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। मैं कोई आम ऊंट नहीं हूँ, सफेद ऊंट हूँ, सफेद ऊंट, इसीलिए मैं बहुत खास हूँ। देखो ऊंट भैया, अगर तुम अपने सफेद रंग की वजह से खुद को विशेष समझते हो तो मेरे शरीर में भी कस्तूरी की सुगंध है। मैं भी बहुत विशेष हिरन हूँ। अच्छा बता, मैं 6 महीने तक बिना पानी पिए गुजारा कर सकता हूँ, तू कर सकता है? मैं 10 फीट ऊंची छलांग लगा सकता हूँ, तुम लगा सकते हो? मैं ऊंचे पेड़ के पत्ते और फल खा सकता हूँ, तू क्या कर सकता है ये? मैं चीते को दौड़ में हरा सकता हूँ, क्या तुम मेरी तरह दौड़ सकते हो? दोनों ही अपनी अपनी विशेषताओं को गिनाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों की बहस का कोई नतीजा नहीं निकल पाता। दोनों ही अपने आप को एक दूसरे से अच्छा साबित करना चाहते थे। हिरन कहता है, देखो ऊंट भाई, मुझ में तुमसे बेहतर और ज्यादा विशेषताएं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर पानी पीने का हक रखता हूँ। ओए बकवास बंद कर, तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। देखो ऊंट भाई, तुम्हें अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा है। ऐसा करते हैं, महाराजा शेर सिंह के पास चलते हैं और उनसे फैसला कराते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा विशेष है। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं शेर महाराज के पास। ऊंट और हिरन दोनों शेर महाराजा के पास जाने के लिए चल पड़ते हैं और कुछ ही देर बाद शेर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। शेर सिंह उन दोनों को देखकर कहता है, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ मेरे पास किस लिए आए हो? महाराज, हम दोनों को आपसे अपना एक फैसला करवाना है। कैसा फैसला कराना चाहते हो तुम? दोनों अपनी अपनी विशेषताएं शेर सिंह को बताकर अपने आप को एक दूसरे से अधिक विशेष होने का दावा करते हैं। तो शेर कहता है, देखो इस तरह से तुम दोनों का फैसला होने वाला नहीं है। मैं तुम दोनों के बीच एक मुकाबला करवाऊंगा, जो उस मुकाबले में जीतेगा वही इस जंगल का विशेष जानवर कहलाएगा। बताइए महाराज, हमें क्या करना होगा? तुम दोनों को पहाड़ी वाली झील के उस पार जाकर चंदन के पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़कर मेरे पास लानी है। दोनों में से जो भी सबसे पहले मेरे पास लौटेगा वो ही विजेता कहलाएगा। हिरन और ऊंट दोनों झील की ओर चल पड़ते हैं। दोनों ही दौड़ते हुए झील पर पहुंचते हैं। हिरन ऊंट से तेज दौड़ने के कारण झील पर पहले पहुंच जाता है और जैसे ही वो झील को पार करने के लिए पानी में उतरता है, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आकर हिरन पर झपटता है। लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत छलांग भरकर पानी से किनारे पर कूद जाता है। तभी ऊंट भी वहाँ आ जाता है और किनारे पर खड़े हिरन से कहता है, क्यों भाई हिरन, क्या हुआ, तूने झील पार क्यों नहीं की? अरे ऊंट भैया, झील के अंदर ना बहुत विशाल मगरमच्छ है, अगर हम झील में उतरेंगे तो वो हमें पानी में खींच कर ले जाएगा और खा जाएगा। अरे कोई मगरमच्छ नहीं है झील में, मुझे तो कोई मगरमच्छ नजर नहीं आ रहा। तू मुझे उस पार जाने से रोकने के लिए मगरमच्छ के नाम पर मुझे डरा रहा है। अरे नहीं नहीं ऊंट भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झील में सचमुच एक मगरमच्छ है। अरे तू अपनी बकवास बंद कर, मैं तो उस पार जरूर जाऊंगा। और ये कहकर ऊंट पानी में उतर जाता है। तभी वहाँ मगरमच्छ आ जाता है और ऊंट का पांव पकड़कर उसको गिराने की कोशिश करने लगता है। ऊंट मदद के लिए पुकारने लगता है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ। हिरन भैया, हिरन भैया, कुछ तो करो, मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। हिरन ऊंट की जान बचाने का कुछ उपाय सोचने लगता है। तभी उसे पेड़ पर बैठा हुआ बंदरों का एक झुंड नजर आता है।
हिरन बंदरों के पास जाकर उनसे मदद मांगता है। अरे भाइयों, मेरा साथी सफेद ऊंट खतरे में है, आप लोग उसकी जान बचाने के लिए कुछ कीजिए ना। हैं? अरे वो सफेद ऊंट, अरे वो तो बड़ा नचड़ा है, अपने आप को लाड साहब समझता है, किसी से भी सीधे मुंह बात तक नहीं करता, हम उसकी मदद क्यों करें? अरे ऐसा मत बोलो बंदर भाई, नचड़ा ऊंट ही तो है, आप तो नहीं हो ना, किसी मुसीबत में फंसे हुए की मदद करना भलाई का काम होता है। बंदर हिरन के समझाने पर ऊंट की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे बंदर एक एक पत्थर उठाकर हिरन के साथ झील पर आते हैं और मगरमच्छ को पत्थर फेंक फेंक कर मारते हैं। पत्थरों की चोट से बौखलाकर मगरमच्छ ऊंट की टांग छोड़कर पानी में डुबकी लगा जाता है और ऊंट फौरन झील से बाहर निकल आता है। हिरन कहता है, ऊंट भाई देखा तुमने, आज तुम्हारी जान इन साधारण से बंदरों ने ही बचाई है और तुम होके सिर्फ अपनी सफेद रंगत के कारण दूसरे जानवरों को तुच्छ समझते हो। हाँ मेरे भाई, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, सचमुच मैं ही आज तक गलती पर था, मैं खुद को विशेष और दूसरों को तुच्छ समझता था, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, सभी जानवरों से दोस्ती बनाकर रखूंगा। ऊंट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सुधर जाता है। उस दिन के बाद से ऊंट ने फिर कभी किसी जानवर को अपने से तुच्छ नहीं समझा। अब सफेद ऊंट हर जानवर के साथ अच्छा सलूक करता और सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहता।